हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और आज हम देखेंगे कैसे विंडोज सिस्टम को फास्ट करना है। मतलब आपका सिस्टम स्लो हो गया, उसको कैसे फास्ट करना है। तो इसके लिए पहले आपको स्टार्ट में जाना होगा और लिखना है रन, और आप विंडोज़ प्लस आर प्रेस करके भी रन में जा सकते हो। उसमें क्या है लिखना है, TEMP। टेम्प लिखने से कुछ फाइल ओपन हो जाएगा, एक टेम्पोरली फाइल है। इसको क्या है, इसको डिलीट करना है, क्योंकि जब कुछ काम करते हैं उसके बाद ये टेम्पोरली फाइल स्टोर होता है, तो उसको डिलीट करना है। अगर कुछ फाइल नहीं डिलीट हो रहा है, उसका मतलब वो काम चल रहा है। मतलब मेरा अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसके लिए कुछ काम चल रहा है, इसलिए जो कुछ फाइल डिलीट नहीं होगा। उसके बाद टेम के आगे पीछे परसेंटेज लगाना है, आगे पीछे, उसके बाद ओके करना है। इसमें भी बहुत सारा टेम्पोरली फाइल स्टोर होता, जब कुछ काम होता उसके रिगार्डिंग कुछ टेम्पोरली फाइल क्रिएट होता, तो उसको डिलीट करना है, उसको डिलीट करना है। तो देखिए कितना सारा फाइल्स है, फाइल्स फोल्डर है, डिलीट हो रहा है। तो ये जो फाइल है डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसको स्किप करने दो, स्किप। ठीक है, तो दूसरा हो गया टेम्पोरली फाइल डिलीट। उसके बाद क्या है, जाने के बाद प्रीफेज, PREFETCH प्रीफेज डालना है। ओके, इसमें भी कुछ एप्लीकेशन का टेम्पोरली फाइल है, उसको डिलीट कर दिया। जब तीसरा होगा कमेंट, उसके बाद क्या करना है, फिर रन में जाना होगा। जाने के बाद MSCONFIG MS कॉन्फिग करना है, क्योंकि जब सिस्टम ओपन होता, अगर आपका सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है, तो उसके लिए क्या रीज़न है, आपका जो स्टार्टअप में बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए सिस्टम स्लो हो रहा है। तो देखिए इतना जो सर्विस है, इसमें बहुत सारा सर्विस है चल रहा है। तो अगर सिस्टम मतलब स्टार्ट होगा और बहुत सारा लोड रहेगा उसमें, तो स्लो हो जाएगा। इसके लिए मेरा जो नहीं चाहिए, उसको अनसिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है एडोब अपडेट सर्विस, वो डिजेबल हो जाएगा। अभी रनिंग देखा रहा है, इसमें देखिए डिजेबल, डेट डिजेबल, अभी डिजेबल कर दिया। ठीक है, ऐसा करके आपका जो सर्विस नहीं लग रहा है, उसको डिजेबल कर देना अच्छा है। तो उसमें क्या होगा, आपका सिस्टम का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें आपका कोई इंटरनेट का सर्विस मिलेगा, वोडाफोन का, ब्रॉडबैंड का, वोडाफोन का, तो उसको अगर डिजेबल हो जाएगा उसमें, तो प्रॉब्लम होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। तो जब डिजेबल करना है, ध्यान से करना है, ठीक से देख के करना है। उसके बाद रैम है, 4GB रैम है, और कुछ वर्चुअल मेमोरी होता, उसको भी एक्सटेंड करना। कैसे करना, एडवांस सिस्टम में जाना, उसके बाद परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग मिलेगा, सेटिंग में जाना है, उसके बाद एडवांस में। देखिए मेरा 16GB किया हुआ, मतलब कस्टम करके आपको क्या मिलेगा, सिस्टम मैनेज सिस्टम, सिस्टम मैनेज साइज, ऐसा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कस्टम सेटिंग, कस्टम साइज करना है, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर देना है। देखिए मैंने एक्सटेंड कर दिया, 16GB से 20GB एक्सटेंड कर दिया। ये हो जाएगा पेज फाइल, इसको बोलते पेज फाइल, इसको आप इधर से मिल जाएगा। इसमें पेज फाइल एक क्रिएट होता, आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी हिडन रहेगा, ये जो फाइल्स है वो हिडन रहेगा, तो इसको शो करने में अभी शो कर देता हूँ। देखिए पेज फाइल क्रिएट हो गया, देखिए पेज फाइल, पेज फाइल डॉट सीज बोल के एक फोल्डर, एक फाइल्स है, उसमें देखिए 15.6, मतलब मैंने 16GB किया ना, तो इसके लिए देखिए इधर 16GB से होगा 16.384। तो एक 16GB का फाइल क्रिएट होगा, एक पेज फाइल है, मतलब जो भी काम होगा इसमें रहेगा, रैम के बाद भी इसमें काम होगा। तो इसमें क्या फ़ायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आप एक साथ रन कर सकते हो। तो यही है सिस्टम फास्ट करने के लिए। और इसमें भी अगर नहीं हो रहा है, तो आपको रैम को एक्सटेंड करना है। मेरा अभी 4GB रैम है, तो अगर विंडोज 7 में 4GB है तो अच्छा है, और 64 बिट लगाना है,
क्योंकि चैट जीपी नहीं सपोर्ट करेगा, अगर 64 बिट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, 3 GB सपोर्ट होगा, 32 बिट होगा तो 3 GB शो होगा, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। आप 4 GB इंस्टॉल करने से अच्छा है। और एक बात आपको ध्यान देना है, जो आपका सी ड्राइव मतलब विंडोज़ का ड्राइव होगा वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। मतलब देखिए अभी मेरा 120 GB फ्री है, तो मतलब जो सिस्टम ड्राइव है उसको फ्री होना चाहिए। अगर इसमें रेड आ जाएगा कि मतलब फ्री स्पेस नहीं रहेगा तो विंडोज़ स्मूथली काम नहीं करेगा, उसमें भी दिक्कत आएगा। तो यही है आपको सिस्टम फास्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसा टेक्निकल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।